जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव की तीसरी आंख का क्या है रहस्य। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में बने हर एक मंदिर में आपको भगवान शिव की मूर्ति देखने को जरूर मिलेगी। अगर आप उनकी प्रतिमा को गौर से देखेंगे तो उनके माथे पर आपको एक आंख नजर आएगी। मतलब ये कि भगवान शिव की दो नहीं बल्कि तीन आंखें हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख क्यों है? महाभारत के एक खंड में दी गई जानकारी के मुताबिक भगवान शिव पार्वती और नारद जी के बीच हो रही बातचीत के दौरान बताया गया है कि शिव जी की तीसरी आंख कैसे उत्पन्न हुई थी। नारद कहते हैं कि भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। इस सभा में देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन भी मौजूद थे। तभी पार्वती जी ने वहां आकर भगवान शिव की दोनों आंखों पर हाथ रख दिए। ऐसा करने से पृथ्वी पर सब कुछ काला हो गया और ऐसा लगने लगा कि मानो सब कुछ का विनाश हो जाएगा। इसी को देखते हुए भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उनकी तीसरी आंख उत्पन्न हो गई। तीनों कालों को देख सकती है भगवान शिव की ये तीसरी आंख। भगवान शिव की तीसरी आंख काफी शक्तिशाली है। इस आंख से वो तीनों काल यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। यही कारण है कि शिवजी की तीसरी आंख को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है वो इस आंख से वो सब कुछ देख सकते हैं जो सामान्य आंख नहीं देख सकती है। कब खोलते हैं शिवजी तीसरी आंख? महादेव जब अत्यंत क्रोध में होते हैं तब अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आंख खोली थी। हिंदू धर्म में महादेव को देवों का देव कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। यूं तो भगवान शिव शंकर दयालु व करुणा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अनेक बार शिव को रौद्र रूप में भी देखा गया है। इसलिए शिव का एक नाम रुद्र भी है। सभी जानते हैं कि भगवान शिव की तीन आंखें होती हैं और जब महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं तब ये तीसरी आंख खुलती है। भगवान शिव की तीसरी आंख क्रोध या रौद्र रूप का प्रतीक है। माना जाता है कि जब ब्रह्मांड में सब कुछ अच्छा ना हो तब शिव जी क्रोधित होकर आंख खोलते हैं। उनकी तीसरी आंख के खुलने को खतरे की घंटी की तरह देखा जाता है। मेरी वीडियो को कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।